Greetings, everyone. Welcome to Clad Possible. Today it is eighteenth of October, and we are going to analyze today's newspaper in short before you. And very important is the Supreme Court judgment. Uh, the Supreme Court has finally stated that they are not in a position to legalize same-sex marriage. Uh, and uh, there is a, there is this five-judge Constitution bench, out of which three judges have stated that Supreme Court cannot allow the legality to same-sex marriage.

फंडामेंटल और अनक्वालिफाइड राइट right का मतलब ये होता है किसी भी राइट right के कुछ क्वालिफिकेशंस हों राइट जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स भी हैं तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है है ना कोई भी चीज़ जो एब्सोल्यूट नहीं होती है राइट दैट इज़ नॉट कंसीडर टू बी अनक्वालिफाइड बिकॉज देर आर सर्टन क्वालिफिकेशंस टू हैव इट टू अवेल इट तो मैरिज के कंटेक्स में भी क्योंकि ये हमारे रिलीजियस और पर्सनल लॉ से निकल के आता है इसीलिए इसको क्वालिफाइड राइट right की तरह कहा जाता है सो देर इज नो फंडामेंटल और अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी द बेंच फेल्ड टू रीच अ कंसेंसस ऑन प्रोवाइडिंग इवन अबाइडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेम सेक्स कपल्स द स्टेटस ऑफ अ लीगली रिकोगनाइज सिविल यूनियन द बेंच फेल्ड टू रीच अ कंसेंसस ऑन प्रोवाइडिंग इवन लॉन्ग अबाइडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन सेम सेक्स कपल्स द स्टेटस ऑफ लीगली रिकग्नाइज्ड सिविल यूनियंस राइट बट द फाइव जजेस जो थे दे यूनानिमसली एक्सेप्टेड दिस पोजिशन दैट इट वॉज टाइम टू एंड दट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेम सेक्स कपल्स स्टेटेड दैट वी आर आई मीन सुप्रीम कोर्ट के नॉट से दैट दिस इज अगल लीगल सिविल यूनियन बिकॉज सिंपली सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डि नॉट डिनाई कि इसकी ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी ज़रूरत है बट उसने सब कुछ पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है यहाँ पे राइट डी वाई चंद्रचूड़ became the minority judgment along with justice sanjay kishan call fact number 1 that you will remember the second fact that you are going to remember is the majority opinion or the majority judgment given by justice sr bhart justice hema kohli and justice ps narasimha right they formulated the majority judgment minority judgment declared that queer people also had a fundamental right to form relationships and the state was under obligation to recognize and grant them legal status right so that same sex couples could avail themselves of the material benefits provided by the law the majority judgment denied it stated that entitlement to legal recognition of the right to union which is similar to marriage or civil union or conferring legal status upon the parties to the relationship can only be done through enacted law एन इनएक्टेड लॉ लॉ इनएक्टमेंट का काम किसका है यू नो इट दैट इट्स नॉट द सुप्रीम कोर्ट इट्स ऑलवेज द पार्लियामेंट सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर फर्स्ट बट दिस इज नॉट इट लाइक इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट अ लॉट ऑफ थिंग अदर थिंग्सो हैव बीन हाईलाइटेड दैट आई शुड पॉइंट आउट टू यू एंड वी शैड डिस्कस एवरीथिंग लाइक कमिंगली आई मीन एवरी थिंग टूगेदर सो इन द नैशनल पेज वी डू हैव दिस पर्टिकुलर न्यूज सो ओके Uh, there is this news which is related to you will find the arguments what are the arguments so i would say this particular article would be a good read for critical reasoning point of view just read whatever were the arguments from cr perspective there are no facts in it there are no facts in it so you can read it because a case for marriage equality the legal arguments for the same sex marriage we will get the other side of the story as well now moving to this part in which the main question was whether

ट्रांसपेरेंस ट्रांसपर्स हैव राइट टू मैरी अंडर एग्जिस्टिंग लॉ पहली बात तो ये यहाँ पे कही गई है द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर विच आर इन अट्रो सेक्जुअल रिलेशनशिप हैव द राइट टू मैरी अंडर द एग्जिस लॉस नाउ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हाउ कैन बी डिट इफ वाई ट्रांसजेंडर आर अलाउड राइट तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर परसन जो हैं हीटर रिलेशनशिप्स में है, दे हैव द फ्रीडम एंड एंटाइटलमेंट टू मैरी अंडर द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स राइट बट डिफरेंस क्या है ट्रांसजेंडर और इन सब में तो देखिए जेंड यहाँ पे जेंडर uh, आपका जो है दैट इज द जेंडर आइडेंटिटी राइट दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड सेक्जुअलिटी इज डिफरेंट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वॉट इज अ जेंडर एंड वॉट इज सेक्जुअल ओरिएंटेशन सो इफ अ मेल लाइकिंग अ मेल Is a sexual orientation, but a male person born biologically male but behaving like a female is a cis male. Is a cis male, right? So he identified himself with the opposite gender. That is why he is called a cis male. And uh, when let's say there is a there is a biologically uh, hetero uh, you can say sex person born who has both male and female inside uh, uh, biologically. Can he marry such a cis male? So that can be done. So a transgender person may be heterosexual or homosexual or any of other sexuality, which means transgender persons also have their sexuality. Some of the transgenders may like male, some of the transgenders may like female. This is there. So if a transgender person is in a heterosexual relationship, which means he must be a ट्रांसजेंडर मस्ट बी बायोलॉजिकली मेल एंड ही मस्ट बी लाइकिंग अ फीमेल एंड विशेज टू मैरी देयर पार्टनर एंड ईवीच ऑफ दीट्स द अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल इन द लॉ सो दे कैन डू दैट दिस इज वॉट इट इज रिटर्न हियर राइट सच अ मैरिज वुड बी रिकोगनाइज बाय द लॉ गवर्निंग मैरेज यह बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहां पर बट इफ यू विल रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इन द न्यूज पेपर यू विल गेट वट द लॉजिक इज since a transgender person can be in a heterosexual relationship like a cis female like a cis male or a cis female a union between a trans woman and a trans man or a trans woman and a cis man or a trans man and a cis woman can be registered under marriage laws this is something that we should understand right that transgender ko opposite gender identity ke saath sexual relationship ke civil union banane ki permission hai राइट right? ये yes, बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए इस चीज को पोजीशन कर पाना बिकॉज ये सारी चीजें नीदर डू वी अंडरस्टैंड नीदर डू वी नो अबाउट इट बट फ्रॉम दिस जजमेंट वी हैव टू फिल्टर आउट द द पॉजिटिव राइट द सेकेंड इज द सेकेंड एस्पेक्ट आई मीन द थर्ड एस्पेक्ट विद दिस रिस्पेक्ट वॉज द सुप्रीम कोर्ट इज डिवाइडेड ऑन अलाउिंग अनमेरिड कपल्स टू अडॉप्ट चिल्ड्रेन जॉइंटली बात हो रही है कि जब एक चाइल्ड है लेट से देर इज़ अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एक बच्चा है जिसको कि शेल्टर होम में रखा गया है शेल्टर होम्स में रखा गया है एक बच्चा है जो ऑर्फेन है एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने उसको सरेंडर्ड चाइल्ड है सरेंडर्ड चाइल्ड है राइट ये सब किसके प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं स्टेट के प्रोटेक्शन अंदर स्टेट्स प्रोटेक्शन होते हैं अब बात करें इनके एडोप्शन की वेन यू आर टॉकिंग अबाउट देयर अडोप्शन सो देयर इज़ अ बॉडी बेस्ड फॉर दिस कारा सेंट्रल एडोप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेंट्रल एडॉपशन रेगुलेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन नाइनटी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम कर रही है दीपक कुमार हैपन्स टू बी द सी ई प्लीज चेक दिस फैक्ट ऑल्सो राइट जस्ट चेक दिस एंड दिस बॉडी हैज़ पावर्स अंडर जुबनाइल जस्टिस एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन नाउ कारा डिसाइड्स कारा डिसाइड्स द लीगैलिटी ऑफ द अडोप्शन एंड सिंगल पेरेंट जो सिंगल पर्सन है सिंगल पेरेंट है अगर कोई तो वो अडोप्ट कर सकता है एक मैरिज है अगर हीट्रोसेक्जुअल तो वो अडोप्ट कर सकता है यानी कि एक सेम uh, सेक्स के जेंडर वाले लोग अगर मैरिड सिविल यूनियन में हैं लेट से और वो एक साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं रह रहे हैं तो दे के नॉट अडॉप्ट दिस इज द रूल ऑफ यू कैन से कारा राइट अडोप्शन नाउ इन दिस पर्टिकुलर थिंग द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज लेफ्ट इट टू कारा टू डिसाइड वेदर टू डिसाइड वेदर सेम सेक्स सिविल यूनियंस कैन एडॉप्ट और नॉट सो एडोप्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज फर्स्ट थिंग्स And the Chief Justice was of the opinion that Regulations 5, Subsection 3 of Adoption Regulations was ultra vires of the Juvenile Justice Act. Right? Juvenile Justice Act. But Justice Bhatt, Kohli, and Narasimha said the rule was not void. And so, what shall be the principle? The principle will be the opinion of the majority of the judges. Even if the Chief Justice of India feels so, he is not in a dominating position. Right? सीजेआई को हम सिर्फ कहते हैं प्राइमस इंटर पैरस प्राइमस इंटर पैरस का मतलब ये होता है दैट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ही इज कंसिडर्ड प्राइमरी बट इज ओपिनियंस आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर

जस्टिस भट्ट सेट दैट सेंट्रल अडोपन रिसोर्स अथॉरिटी सॉरी मैंने फुल फॉर्म गलत पढ़ा था सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा जो है एंड द सेंटर शुड बी अप्रोप्रिएटली कंसिडर द रियालिटीज़ ऑफ डी फैक्ट ऑफ फैमिलीज यहाँ पर होता क्या है सिंगल इंडिविजुअल्स जो है पहले बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं राइट देवर परमिटेड टू अडोप्ट और बाद में वो नॉन मैट्रीमोलियन रिलेशनशिप में दूसरे पक्ष के साथ रहने लगते हैं तो ये वाला जो एक एक, एक गैप है जिसको एड्रेस नहीं करता है अभी हमारा अडॉप्शन लॉ तो उन्होंने कहा सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर है ये कि वो डिसाइड करे इस चीज के ऊपर राइट अब द कैच इज दैट द इन एन अनफोर्सिन इवेंचुअलिटी द अडोप्टेड चाइल्ड इन क्वेश्चन कुड फेस एक्सक्लूजन फ्रॉम द बेनिफिट्स अदरवाइज अवेलेबल टू अडोप्टेड चिल्ड्रन ऑफ अ मैरिड कपल्स दिस एस्पेक्ट नीड्स फर्दर कंसिडरेशन दैट इज वट वॉज द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस उन्होंने कहा भाई मैरिज वाले जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा और एक अनमेरिड कपल के कोई अडोप्टेड बच्चे हैं तो हाउ विल दे गेट दैट काइंड ऑफ बेनिफिट सो दिस इज समथिंग द आर्ग्यूमेंट वेयर यू शुड फोकस राइट बट अल्टीमेटली ऑल दिस जस्ट स्टेटेड दैट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द अथॉरिटीज वुड बी एट द लिबर्टी टू एंश्योर दैट द फैमिलिय सर्कमस्टान्सेस प्रोवाइड अ सेफ स्टेबल एंड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट द मटीरियल वेलबींग एंड इमोशनल सस्टेनेंस ऑफ द चाइल्ड so this is very very also like if you use your common sense you will not be able to understand that why is there this presumption that only legally married or you can say heterosexual married couples could provide a stable environment to children because this this particular observation is should not be just based out of opinions how do you feel or perceive there must be some scientific data that says that a male and a female only or both of them can provide a stable kind of uh, environment to to for the nurture and the betterment of a child now yes apparently prima facie it seems very justified to us that yes both mom and a dad has to be there all of them both of them have unique distinct roles to play but again if this is the general norm how can we say that two males or two females cannot provide that kind of you can say uh, support so this has to be backed by data that is why the supreme court is quite divided on this but what is the ground on which the chief justice of india has condemned this he stated that excluding unmarried couples from adopting by prescribing the condition that the couple must have been in a two years of a stable marital relationship right right is is quite the contrary right चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ नोटेड एक्सप्रेस टर्म्स एक्सक्लूडेड अनमैरिड कपल्स अनमैरिड कपल्स फ्रॉम अडॉप्टिंग बाई प्रिस्क्राइबिंग अ कंडीशन दटल्स मस्ट है अडोप्शन करने वाले लोगों के बीच में क्या मैरिज होनी चाहिए यस दे मस्ट बी मैरिड एंड मैरिड मैरी करने के कितने समय के बाद टू ईयर्स के बाद देन दे कैन अडोप्ट एज पर रेगुलेशन फाइव ठीक है ये याद रखने वाली बात है अपने प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें हमें याद रहेंगी तो अगर इनसे रिलेटेड प्रिंसिपल आ जाएगा तो वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू तो सॉल्व देम और यू कैन से हैंडल देम इजिली है ना अदर देन दिस द इंपॉर्टेंट न्यूज वाज दैट वी सी हियर डिफेंस मिनिस्ट्री आस्क डिपार्टमेंट टू सेटअप सेल्फी पॉइंट टू शो गुड वर्क इन दिस द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेज डायरेक्टेड दिपार्टमेंट टू सेट अप जियो टैक्ट सेल्फी पॉइंट्स टू शो के इज गुड वर्क डन इन डिफेंस सेक्टर एंड इन दिस एट हंड्रेड ट्वेंटी टू सेल्फी पॉइंट्स आर बींग मेड इवन द फोटोग्राफर प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन भी देयर सो इसमें ऐसा कुछ फैक्ट्स नहीं हमारे सामने बट एक चीज़ हमारे सामने निकल के आती है दैट uh, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर हैं जैसे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं यानी सरकारी कंपनी जो डिफेंस का प्रोडक्ट्स बनाती हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड है डी है सैनिक स्कूल्स हैं एन है ये सब अपने अपने अचीवमेंट्स की थीम्स पे सेल्फी पॉइंट्स लगाएंगे राइट सो द कैच इज़ वाट आर द थीम्स देयर सो यू विल फाइंड द थ्री थीम्स फर्स्ट इज़ आत्मनिर्भर भारत का थीम देन वी हैव द सशक्तिकरण दैट इज़ Uh, the three services will also have a Sashakti Karan Empowerment and Nari Shakti woman Empowerment. Right? DRDO's theme will Research and Development and Innovation or Cantonment, waves, cantonment Boards' ka jo theme will be Ease of Living Residents. Ease of Living of Residents, right? So, war memorials, defense museums, railway, metro stations, bus stations, airports, malls, school colleges, tourist destinations and festival gatherings. All of that would be covered under this. Right? Moving to the next part. दिस पर्टिकुलर इवेंट इफ यू विल फाइंड दैट पुदुचेरी में द वॉटर इज टनिंग रेड नॉट बिकॉज ऑफ द ब्लड बट बिकॉज ऑफ अ फिनमिना कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम बिकॉज दिस पर्टिकुलर वाटर इज वेरी वेरी रिच इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा और क्योंकि कोस के पास है तो इसमें न्यूट्रियट्स काफ़ी अच्छे होंगे जिसकी वजह से एल्गी का जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो जाता है और मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचता है सो दिस इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम ये आपको याद रखना है नाउ द अदर मैटर दैट इज बिफोर अस विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड से पोलिटिकल बॉडीज इज दैट द पावर ऑफ द स्पीकर एक्चुअली जब भी कभी डिफेक्शन का प्रोसीडिंग होता है डिफेक्शन मतलब वेन एवर अ पर्सन वन एवर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर विनिंग द इलेक्शन चेंजेस द पोलिटिकल पार्टी दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्शन एंड दैट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल टेन राइट so ultimately it is a discretion of the speaker of the house to decide whether defection happened or not and that judgment is subject to judicial review ye but speaker has to give the decision first and speaker acts as a tribunal speaker acts as a tribunal which means the position of the speaker here becomes quasi judicial right here becomes quasi judicial so you will find here that uh, what are the what are the opinions here uh, that have been mentioned so you we just have to give a quick read to that Right, so it says that on May eleven, a five judge bench had directed the speaker in his capacity as a tribunal under the tenth schedule anti defection law of the constitution to hear and decide the disqualification petitions within a reasonable time. Fifty six MLAs are facing disqualification under tenth schedule. There are thirty four disqualification petitions pending, waiting for the speaker to decide. The Supreme Court has given them. He uh, given this uh, person Rahul Narvekar. He is the speaker of Maharashtra Assembly. And uh, Rahul Naharvekar has been given quite some time to basically three by the three judges bench headed by CJI to decide this particular matter and he should not sit over it. This is what the judgment says primarily. So yes, the Sena versus Sena judgment of the Supreme Court, uh, the the conditions for disqualification, all of that is quite important in this particular aspect. So you should remember it. Moving to the next part. दैट वी शुड स्टडी फ्राम दिस इज़ तो देयर यू विल फाइंड दैट चुनाव होने वाले मिजोरम में तो पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर दट आर द फाइव वट आर दाइव स्टेट्स दैट आर गोइंग टू इलेक्शन दिस पर्टिकुलर ईयर सो यूड मध्य प्रदेश इज देयर राजस्थान इज़ देयर छत्तीसगढ़ इज देयर मिज़ोरम इज देयर राइट मिज़ोरम इज देयर एंड दिज आर द स्टेट्स दैट आर गोइंग टू इलेक्शन इंक्लूडिंग तेलंगाना ये सब ये असेंबली जो है जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में डिजॉल्व होने वाली इसलिए इनके बीच में क्या होने वाला है? Elections होने वाला वाला है है आपको इलेक्शन रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज मिलेगी वही महाराष्ट्र की बेसिस पे ही बात हो रही है अब राहुल नार्वेकर साहब का कहना है कि विल वर्क टू डिसाइड वट इज सो राहुल नार्वेकर जी इज स्टेटिंग दैट वी विल विल आई अल्टीमेटली डिसाइड वट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट मूविंग फर्दर अहेड द सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज रैपिड एक्स राइट रैपिड एक्स Is in news. RRTS system, Rapidex, built as major linking system, but some travelers want full operations. What is this RR Rapidex? That is what we need to study here. So Rapidex stands for the Delhi-Meerut Regional Rapid Transport Transit System, also known as Rapidex, and uh, it is from Sahibabad to Duhai Depot. So we don't have to remember this, but yes. इट इज़ द पार्ट ऑफ़ नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एन सी आर टी सी इज नोडल एजेंसी एंड दैट इज़ प्लानिंग टू डेवलप इट बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इट इज़्ट एटी टू किलोमीटर कॉरिडोर एंड रैपिड रीजनल वही है लोकल मेट्रो की तरह काम लोकल ट्रेन की तरह काम करेगा सौ किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड नो रैपिड ट्रांजिट कई बार मॉक्स में आया है बट मुझे लगता नहीं है कि नेशनल न्यूज़ है स्किल डेवलपमेंट स्कैम का जो चल रहा है उसमें चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया है इंटरम बेल देने से मना कर दिया है बेंच हेडेड बाय जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाइल रैपिंग अप द केस फॉर द जजमेंट डिड नॉट अग्री विद्ली रेज बायर नायडूज काउंसिल राइट वो मीड्यू द नेक्स्ट पार्ट वट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर अगैन सब छोटी मोटी न्यूज है यू शुड जस्ट रीड द हेडिंग्स एंड इग्नोर इट uh that is not very strategic for an examination like kerala forest government is planning to plant bamboo and bamboo creeper along the gap road stretch of kochi Danushkori national highway in munnar to prevent repeated landslips. so that's good that is something that is there and then there is a conceptual video of proposed watchtower peaks interest in bangaluru uh that is the observation that is what chief minister and development minister dk shiva has unveiled so ऑन ऑस्ट्रियन कंपनी इज कमिंग टू डिज़ाइन ऑल ऑफ़ दैट्स जस्ट यू आई मीन इट्स इट्स गुड रीड डिमोलिशिंग द फ्रेम फ्राम द आउटसाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्रिटिकल एरिटोरियल दैट वी हैव हीयर विथ रिस्पेक्ट टू द रिसेंट अरेस्ट ऑफ द एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरखा यस्था उनके ऊपर यू ए पी ए का टेरर एक्ट लगा दिया गया है तो श्रुति सागर यमुनन इज अ प परसन हू इज क्रिटिसाइजिंग द मैटर आरोप ये लगा है कि चाइना से फंडिंग ले रहे थे इनकी कंपनी न्यूज़ क्लिक तो वो अभी एफ हुआ है डजन्स ऑफ अरेस्ट हुए थे बट देन बाद में दो ही लोगों को मेन मुख्य आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो यहाँ पे जो प्रेस फ्रीडम खतरे में है वो एक मेजर इशू है प्रेस फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम जो है ये हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस जो है एक कंसर्न तो आ ही रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर अभी आपको पता है कि एन जैसे चैनल का सेल हुआ उसमें स्टेक्स की बात है और अडानी के पास सबसे ज़्यादा स्टेक आ गए हैं इसके एक ऐसा चैनल था जो ऑब्वियसली क्रिटिकल था देन देर वॉज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ मीडिया वन सुप्रीम कोर्ट का मीडिया वन का जजमेंट है जो कि आपको पढ़ना चाहिए देन यू ऑल्सो हैव इंटरनेट बैंस कंटिन्यूस इंटरनेट बैंस राइट कंटिनूस इंटरनेट बैंक और इसमें यह आपने देखा कि ये जम्मू कश्मीर में लगातार रहते हैं और ये आपको मणिपुर में दिखाई देंगे तो उन सभी के कंटेक्स में यहाँ पे ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया है तो आपको इसको इस एडिटोरियल को आठ मिनट में एक बार पढ़ के बस इसका ओपिनियन एक्सट्रैक्ट करना चाहिए बिकॉज इसमें कुछ भी एज सच आपको फैक्चुअल नहीं दिखाई देगा जस्ट अ गुड ओपिनियन राइट वाट आर द रोल्स एंड पाव ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड एट लास्ट यू विल फाइंड इन द कंक्लूजन दैट ऑथर इज सेंग इन द कंक्लूजन वॉट द ऑथर इज से इन द कंक्लूजन द ऑथर इज सिंपली सेंग दैट you are not exactly rewriting the constitution uh, but you are externally doing everything to change the constitution right when terrorism laws are invoked against journalists the fundamental right to speech and expression is textually intact in the constitution but takes a dent outside when hate speeches against minorities are left unchecked secularism remains intact in words but not in experiences when electoral funding is opaque democracy is confined to paper so these are the first two one टू एंड थ्री थ्री पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिजम दर्थर इज रेट स्टेटिंग एलेक्टोरल फंडिंग की बात करें तो यस सेवनटीन अक्टूबर को डी एन ए में हमने देखा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर जो है रेफ़र कर दिया है बेंच को एंड देर गोइंग टू लिसन टू इट टू थाउजेंड एटीन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स कीम आई थी जो कि आपको अलाउ करती है अनोनीमसली पोलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए चारिटी मतलब आप आप डोनेशन दे सकते हो पार्टी को और पार्टी को ये फंडिंग है तो पार्टी को भी नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे आर नॉट इवन यू नो अंडर यू कैन से लीगल मैंडेट टू डिस्क्लोज कितना पैसा आया उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करने वाला है एंड लेट मी प्रिडिक्ट जजमेंट बिफोर यू ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया गया है ठीक है पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता होना चाहिए कि फंडिंग किसने दी है ऑब्वियसली देन uh, उसमें भी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि एक पर्सन इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड दे सकता है उसमें भी कैपेसिटी होना चाहिए क्योंकि एनी थिंग दैट इज़ सर्विंग भारतीय जनता पार्टी अगर कभी एक टाइम पर मान लीजिए अगर वो जाएंगे तो अगर कांग्रेस पावर में आती है तो कांग्रेस इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएगी और इसमें कंपनीज़ को पॉलिटिकल फंडिंग करने से रोकना चाहिए इंडिविजुअल्स कर सकते हैं बिकॉज कंपनीज़ को गवर्नमेंट से फायदा क्योंकि कंपनीज़ एक प्रॉफिट मोटिव प्रॉफिट और प्रॉफिट रिवन बॉडी है और गवर्नमेंट uh, एक प्रॉफिट रिवन बॉडी नहीं होती है अगर कंपनीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करने लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स जो है जो डेमोक्रेसी है वो कॉरपोरेटाइज हो जाएगी एक कॉरपोरेटाइज डेमोक्रेसी टू एन एक्सटेंट कैपिटलिस्ट कंट्री में वायबल है एक सोशलिस्ट कंट्री में इसका स्थान नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से ये रोक लगा सकता है ऑब्वियसली इसको का ड्यू कंसिड्रेशन लेने के बाद बिकॉज uh, इसके बैकग्राउंड में इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग की बात आ रही है इसमें कैपिटलिज्म सोशलिज्म सब चीज़ के ऊपर डिबेट होगा डिस्कशन होगा एंड अलॉग विद दैट दूसरी चीज़ जो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपना इनकम बताते हैं या डोनेशन बताते हैं तो उसमें कितना डोनेशन उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंडिविजुअली आया है वो इलेक्शन कमीशन के सामने ज़रूर रखना चाहिए तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सतर्क हो पाएगा कि अगर मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को तीन हज़ार करोड़ का फंडिंग आ रहा है अचानक से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं है तो वो इस चीज़ को स्पेकुलेट कर सकता है कि कौन ऐसा इंटरेस्टेड पर्सन है जो एक पर्टिकुलर पार्टी के पीछे तीन हज़ार करोड़ रुपए लगा रहा है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी का इनसिक्योरिटी भी है बीजेपी को पता है भारतीय जनता पार्टी को ये देखिए ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है मैं रख रहा हूँ आपके सामने अब आपको पसंद आए चाहे ना पसंद, पसंद आए पर आप सोचिएगा भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से इनसिक्योर भी है क्योंकि उसको पता है कि वो जिस तरह की आइडियोलॉजी प्रमोट कर रही है वो अभी तो हाइप बना रहा है बट वो सस्टेनेबल नहीं है इंडिया में बिकॉज सिर्फ आ, आ, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस सेंटिमेंट के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में तो आ सकती है पर टिक नहीं सकती टिकने के लिए उसको उसके रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ साथ उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देना पड़ेगा इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सारे एडवर्स मूव लिए हैं दो दे आर सपोर्टिंग द पुअर पीपल ऑल्सो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट जिस तरीके से कोविड मिटिगेशन हमने स्ट्रैटेजी अपनाई फूड एंड सिक्योरिटी को हम बचा के चले और अभी हम जिस तरीके से महंगाई को संभालते हुए चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि येस दे डू हैव एक्सपीरियंस दे डू हैव दे हैव शोन एंड फॉरन पॉलिसी जिस तरीके से हमारी बनी है दे आर शोइंग गुड साइंस बट जो हमारे यहाँ पर अर्बन यूथ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है और रूरल साइड पर एग्रीकल्चर में मानसून डेफिसिट होने की वजह से जो फूड इन्फ्लेशन आया सडनली ऑनियन एंड टोमेटो से तो उसको कहीं ना कहीं एक शॉक जैसा लगा है इन सब जगहों पे तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कैच ज़रूर बनाएगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर ये पूरा मैटर है ऑथर ने ऑब्वियसली राइटफुली इस चीज़ इन तीन चीज़ों को पिक किया है कि डेफिनेटली टेररिज्म लॉज जो हैं वो न्यूज़ एजेंसीज़ के अगेंस्ट अगर लगा दिए जाएँ जस्ट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉट व्हाट इज़ द एलिगेशन कम्प्लीट मामला यही है कि न्यूज़ क्लिक एक्चुअली एक अमेरिकन और ताइवान की कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था जिनके कुछ लोग जो हैं वो उस कंपनी के क्लाइंट्स चाइनीज कम चाइनीज गवर्नमेंट थी तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा अब अमेरिका है उसने एक इंडिया की मीडिया कम, मीडिया कंपनी के ऊपर आरोप लगाया कि वो चाइना से पैसा ले रहा है और उसकी वजह से पूरा बवाल हुआ और अचानक से एफ रजिस्टर कर लिया गया इनके खिलाफ तो ये करने के पहले ऑब्वियसली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए था तो कहीं ना कहीं प्रेस को डराने की भी कोशिश है और दो मुझे लगता है कि ये हो नहीं पाएगा दो ये मामला चलेगा दो तीन साल तक अब सुनने वाली बात है लेकिन हाँ प्रेस फ्रीडम तो भारत में कहीं ना कहीं डिफिकल्ट जोन में आ रही है टू लीगली इन वोक द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर इन सम ऑफ समीज सर्कमस्टांसिस मे बी इम्पॉसिबल गिवन द थियोराटिकल रिस्ट्रिक्शंस दैट कम विद सच अ डॉक्ट्रीन इट इज़ एन राइटली सो रिजर्व फॉर सर्टन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस बट द कोर्ट हैज़ एनफ पावर्स टू ऑलरेडी to arrest the decline if it realizes that the effect of this larger trend is affecting this turning a blind eye to such profound violations of democratic conditions outside the text of the constitution and laws should render both the constitution and the court without their identities how the court responds to this challenge may determine not only the fate of the people but also of the court again in this ultimately the author is uh, basically supporting the idea of in in independent judiciary and he, he says that the last trust institution that people trust is the judiciary, right? The Supreme Court. This is the last avenue that people have recourse to. And the court has primarily, constitutional courts have a main role to play. So, this editorial, see, again, the strength of this particular editorial is that it can be a part of your critical reasoning also. Uh, it can be a part of your legal aptitude also, both. The beauty of this particular editorial and including GK, so the facts associated with it, the facts associated with it can be a part of GK. So it's a it's an issue that is there. So you can read about World Press Freedom Day, World Press Freedom Index, and all of that. Right. Moving to the next part that is there. So it's 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 again a good editorial, but rather this is like a research paper, you can say this is like a research. And uh it says that for the procurement the procurement of medicines right the procurement of medicines should be done by the company i mean the hospitals ek simple si baat yahan pe is chote se editorial mein itni samjhai hui hai कि जब मान लीजिए कोई एक बायर है जो बल्क में बल्क में चीज़ों को बाय करता है right? Let's say उसको हज़ार यूनिट्स उसने खरीदी जब भी वो बल्क में बाय करता है तो उसका प्राइस जो होता है वो बार्गेन होता है प्राइस बार्गेनिंग होती है बल्क में बाय करते हैं तो ये जो प्राइस होता है ये एक इंडि पर प्रोडक्ट का कम हो जाता है और लेट्स देर आर ट्वेंटी एडिशनल बायर्स जो आपसे आके लेट्स फिफ्टी फिफ्टी यूनिट्स खरीदेंगे एवरी एवरी इंडिविजुअल वी बाई फिफ्टी यूनिट्स तो जब ये फिफ्टी फिफ्टी यूनिट्स खरीदेंगे बिकॉज ये ऑब्वियसली क्या है स्मॉलर कंपनीज़ हो सकती हैं जिनके पास एक साथ दो सौ यूनिट खरीदने की क्षमता नहीं है बट वो पचास पचास यूनिट करके खरीद सकती हैं अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इनको भी प्राइस जो है वो सस्ता होगा इनके लिए भी और फिर जब भी अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जाएगा हमारे यहाँ पर कंज्यूमर तक आएगा तो उसको भी प्राइस का थोड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो भी सस्ते में खरीदेगा तो यहाँ पे उन्होंने मैकडोनल्ड्स के साथ कंपेयर करते हुए पूरी सिचुएशन को बताया है मुरली नीलंकटन ने और हमारे यहाँ पे जो ड्रग्स जो हैं ड्रग्स मेडिसिन जो हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में रहती है एंड कंज्यूमर के लिए तो अगर इसमें यही कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल्स जो हैं हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो एक सा, कई सारे हॉस्पिटल्स मिलकर अपना क्लब ऑफ बायर बना लें क्लब ऑफ बायर बना लें और एक साथ बल्क परचेस करें मेडिसिन का डायरेक्ट मैनुफैक्चर से बल्क परचेज करें मैनुफैक्चर से तो उसके बाद जब वो पेशेंट के पास जाएगी प्राइवेट हो जो भी हो जब वो पेशेंट के पास जाएगी तो उसका प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये बात अभी कैंसर ड्रग्स के लिए चल रही है भारत में कैंसर ड्रग्स में जो इंस्टीट्यूशन हैं वो ये काम करना चाह रहे हैं तो पूरा एडिटोरियल जो है नेशनल कैंसर ग्रिड पूल प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव के ऊपर आपको इस तरीके से अपने बात को रखते हुए दिखाई देगा तो आप इसको पढ़िएगा इस कंक्लूजन तक पहुँचिएगा यहाँ पर आपको अल्टीमेटली यही है कॉस्ट सेविंग के ऊपर बात है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं पूर्ड प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट दिखा रहे हैं थोड़ा सा इकोनॉमी साइड से है बट इंडिया में जो ड्रग्स हैं वो महंगे हैं ये वाला जो आ, आर्टिकल है ये श्रीलंका सॉरी न्यूजीलैंड के इलेक्शन के ऊपर है अच्छा न्यूजीलैंड में चुनाव अभी रिसेंटली ही हुए थे टू में क्रिस होपकिनस जो हैं वो जीते थे और अभी वो हारते हुए उनकी पार्टी जो है लूजिंग साइड पर है और न्यूजीलैंड में याद रखिएगा तीन साल में थ्री ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं इसीलिए 2023 में आपको वापस से एंड में इलेक्शन देखने को मिल रहा है लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन दैट इज समथिंग टू बी सीन बट एक महिला का नाम है यहाँ पे जो हमारे सामने बार बार आ रहा है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में थी तो उनका नाम जो है जैसिंडा अहन दैट इज़ द नेम दैट यू शुड रिमेंबर हाँ आई आई माइट बी बैड विद प्रोनसीशन बट दैट इस नेम दैट इज जैसिंडा आर्डन राइट तो जस्ट रिमेंबर द नेम एंड अगर ये बन जाती हैं तो फिर हमें फैक्ट की तरह इसको याद करना पड़ेगा यहाँ पे जो आर्टिकल है जो सेकंड वाला नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे जो हम देख सकते हैं दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एंड टाइगर्स एंड जेकॉल्स गेट द सेम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन दिस आर्टिकल इज अबाउट एक्चुअली इस आर्टिकल में बताया गया है कि देर आर सर्टन एनिमल स्पीशीज़ है ना देर आर सर्टन एनिमल स्पीशीज़ जो कि न्यूंसेज हैं एक पागल हाथी हो गया नील गाय हो गई जो यूपी में रहते हैं उनको नील गाय पता है क्या है नील गाय तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं दे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन्स राइट इसी तरीके से येट दी स्पीशीज दी स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन ऑफ यू कैन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट राइट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू हेड अंडर गॉन अमेंडमेंट वेरी रिसेंटली

नाउ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो 1975 के आसपास एनफोर्स हुआ है आई ने मिल बनाया था ये राइट और वाशिंगटन कन्वेंशन से निकल के आता है वाशिंगटन कन्वेंशन सो दिस फेमस कन्वेंशन इज़ ऑलसो कॉल्ड एज वाशिंगटन कन्वेंशन 1963 की कन्वेंशन है और इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में अगर मान लीजिए आप किसी भी तरीके से उनको ट्रैप गिरा हुआ है आपने उनको आप आप उनका आप उनको ट्रैप किए हुए हैं या आप उनका ब्रीडिंग कर रहे हैं और वो इंटरनेशनली मान लीजिए इंडेंजर स्पीशी में आता है तो आपको नाइन्टी डेज आई मीन पहले नाइन्टी डेज में आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है ये वाली बात की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में और फोर्थ शेड्यूल में साइट्स के जो स्पीशीज़ हैं उनको एनलिस कर दिया गया है यहाँ पे पूरी तरीके से ऑथर ये कह रहा है कि जो कुछ स्पीशीज़ हैं जिनको बिना साइंटिफिक असेसमेंट के आपने प्रोटेक्शन दे दिया है और आपने किसी तरह का कोई सल्यूशन नहीं बताया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन इसी से कैसे निकले जैसे अंडमान और निकोबार में बात करें तो क्रोकोडाइल्स का प्रॉब्लम है क्रोकोडाइल्स आर फॉर द ट्राइब्स अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे जो डियर है वो एक इन्वेजिव स्पीसी की तरह देखा जाता है जो वहाँ के रेप्टाइल्स को बहुत नुकसान कर रहा है रेप्टीलिया पॉपुलेशन को रेप्टाइल्स को बहुत नुकसान कर रहा है इस तरह की चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे आपने को बताई हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ए इंपॉर्टेंट हो जाता है आई यू सी एन इंपॉर्टेंट हो जाता है साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अमेंडमेंट्स हुए हैं टू थाउजेंडेंट ट्वेंटी टू वो हमें पढ़ लेने चाहिए अदन दन दिस पिटिकलर एटोरियल राइट तो देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर की ब्यूटी ही यही है कि वो आपको चीज़ें एक डायरेक्शन देता है थोड़ा सा आपको उसमें डीप डाइव करना पड़ेगा और चीज़ें देखनी पड़ती हैं तो यहाँ पर आपको ओपिनियन जो है वो दिखाई दे जाएगा कमिंग टू द न्यूज़ पार्ट बेसिकली तो हमने सेम सेक्स मैरिज डिस्कस किया टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में अगेन यहाँ पे एक सिंपल सा फैक्ट आप याद रखेंगे देखिए अडानी के ऊपर आरोप लगा है कि अडानी जो इम्पोर्ट करते हैं कोल का एक्चुअली इंडोनेशिया से आता है कोल इंडिया में और इंडोनेशिया से जब कोल आता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो अडानी के ऊपर आरोप यह है कि वो प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं मतलब कि सस्ते में मंगा रहे हैं कोयले को कोयला जो है वो सस्ते में आ रहा है और जब वो यूज़ कर रहे हैं या कस्टम ऑफिसर को बता रहे हैं कि कितना कोयला उन्होंने मंगाया तो उसका प्राइस जो है वो अपग्रेड कर दे रहा है उससे क्या हो रहा है एंड कंज्यूमर जो है जो बिजली यूज़ कर रहा है ना एंड कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो भी ज़्यादा पे करना पड़ता है अब इसमें आपको टॉप थ्री एक्सपोर्टर्स ऑफ कोल के बारे में पता होना चाहिए टॉप वर्ल्ड ग्लोब के टॉप थ्री एक्सपोर्टर्स ऑफ कोल में बात करें तो प्राइमरी इट इज़ कॉम्पिटिशन यूजली स्टेज बिटवीन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया राइट एंड एट लास्ट थर्ड वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट इम्पोर्टर की बात करें तो इट इज़ चाइना चाइना इज़ कंसिडर टू द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल, जैसे ऑयल में हम सऊदी अरेबिया की पोजिशन देखते हैं अनडिस्प्यूटेड है हाइएस्ट एक्सपोर्टर है फ्रूड ऑयल का राइट right? तो उसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में रशिया के साथ इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है तो वैसे ही कोल की बात करें तो इंडोनेशिया साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे एट कोर इंडस्ट्रीज है ना एट कोर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में जिनका इन, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स आई निकलता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन हमारे एट कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है कौन नहीं है और अडानी के ऊपर एलिगेशन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं ओ सी का एलिगेशन देन यू हैव हिंडनबर्ग रिसर्च का एलिगेशन राइट right? और अगेन uh, बहुत एक कंपनी जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है तो ऑब्वियसली क्रिटिसिजम uh, तो होता ही है बट देन दैट इज़ टू बी सीन क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स अगेन एक अमेरिकन रिपोर्ट राइट अगेन एक अमेरिकन रिपोर्ट है जो कि आपके कंपनी पे अटैक कर रही है देन देर इज एन न्यूयॉर्क टाइम्स का पेपर आपके मीडिया चैनल पर अटैक कर रहा है तो ये वाली चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा सेंसिटिवली गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए बिकॉज ये अपने ही लोग हैं दिज आर द इंडियन पीपल ओनली एंड दे आर टेकिंग सोमवेयर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इन सम एस्पेक्ट टू इंडिया सो दिस इज वेयर द रोल कम्स इन टू पिक्चर

ट्वेंटी थर्टी तक इनका अचीव कर पाना मुश्किल है यहाँ पे ये कह रहे हैं राइट और यूएन एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट है सिनर्जी सॉल्यूशंस फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस टैकलिंग क्लाइमेट एंड एस डी एक्शन टुगेदर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़ सी न्यूज़ में ऐसे करने को तो बहुत कुछ रहता है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हमारे सामने फिर से आ रही है दैट इज़ इसरो को डायरेक्शन दिया है नरेंद्र मोदी ने कि हमें 2040 तक वी नीड टू लैंड अ मैन ऑन द मूस मून एंड इंडिया का एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए 2035 तक ये गगनयान की के डेवलपमेंट पे जो प्लानिंग चल रहा है उस पर मीटिंग हुआ गगनयान के बारे में आपको पता चलेगा इंडिया का पहला मैंड मिशन है टू स्पेस जो कि टू तक करने वाले हैं यहाँ पे साथ में ये भी है एक अभी रिसेंटली टीवी वी डी करके टेस्ट फ्लाइट होने वाली है जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो मॉड्यूल है वो तो क्राइसिस के समय पे क्या लाइफ बचा पाएगा इसके ऊपर न्यूज़ है तो वहाँ तक मैं आपको लेके जाता हूँ उस पर्टिकुलर न्यूज़ पे। ये बहुत अच्छा और बड़ा ही इनोसेंट स्टेटमेंट हमारे इज़रो के चेयरमैन ने एस सोमनाथ ने दिया है कि देखिए भारत जो है उसमें और नासा मतलब इसरो और नासा में डिफरेंस क्या है तो इसरो और नासा में यही अंतर है कि साठ सालों में नासा ने अपने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं स्पेस ऑपरेशंस किए हैं उसमें बीस एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान गवा चुके हैं भारत के अभी तक किसी भी तरह के स्पेस मिशन में जान नहीं गई है और ना ही इंडिया इसरो की ये चाहत है कि हमारे स्पेस प्रोग्राम में माल फंक्शन की वजह से कोई भी ह्यूमन लाइफ जाए इसलिए एस सोमनाथ ने कहा कि हम लोग डिले से प्रॉब्लम डिले से वी आर नॉट अंडर डिस्ट्रेस बट वी हैव Only one opportunity and we want that a particular opportunity should be successful. एस सोमनाथ ने यह भी चीज़ कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम तीन लोगों को ही भेजें दैट इज़ वेरी हार्ड लाइन कि आप सोच रहे हैं कि हम तीन ही को भेजें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ एक को ही भेजेंगे अगर हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो और अगर हमने एक को भी भेज दिया और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम एक आदमी भेज सकते हैं तो फिर हम दस क्यों नहीं भेजेंगे तो बात ये नहीं है उन्होंने ये कहा कि कितने जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जाके ऑपरेशन करके मिशन को कंप्लीट करके वापस जिंदा आ जाएं। इन्होंने कहा कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें रशिया से जापान से अमेरिका से चाहिए थे बट हमें किसी भी तरह का मदद नहीं मिला है तो वो कंपोनेंट्स हमको इंडिजिसली बनाने पड़े हैं इसमें सबसे मेन है इन्वायरमेंट कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जो ऑक्सीजन प्रेशर टेम्परेचर इन सब चीज़ों को मैंटेन करता है मॉड्यूल के अंदर वो अगर इनको बाहर से मिल जाता तो इतना समय गगनयान में नहीं लगता बट इतना समय इसलिए लग रहा है बिकॉज किसी भी तरह का हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हमें सब कुछ खुद ही बनाना पड़ रहा है तो उन्होंने कहा इसीलिए जो पूरा प्रोग्राम हमारा प्लांट है वो लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल थ्री एल वी एम थ्री पे प्लांट है और दो अभी जो टेस्ट करने वाले हैं दैट इज़ द टेस्ट दैट दे आर गोइंग टू डू क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट है ना जिसको टी वी डी वन करके ऑपरेशन दिया गया है तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि सिंगल रॉकेट हम यूज़ करने वाले हैं सो मेन टेस्ट में क्या करेंगे सत्रह किलोमीटर तक रॉकेट को उड़ाएंगे टेस्ट व्हीकल को सत्रह किलोमीटर ऊपर उड़ाएंगे और अबॉट अबाउट अबॉट का अनाउंसमेंट कर देंगे और फिर देखेंगे कि, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चीज़ों को हेल्प कर सकता है यहाँ पे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी है आई वी के बारे में बात है जहाँ पर इंटेलिजेंस है जिसके पास यानी उसमें ह्यूमन कंट्रोल नहीं रहेगा ये सिस्टम अगर चाहेगा देखेगा कि कुछ माल हो रहा है मिशन थ्रेट पे है या हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो थ्रेट पे हैं तो वो अवार्ड कर देगा और फिर वो अपने हिसाब से मैनूवरिंग करके सेफ लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा जो इंडिया खुद से बना रहा है तो ये दोनों न्यूज़ आपस में इंटीग्रली कनेक्टेड थी ये सारे फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए देन सिक्सटी नाइन्थ नेशनल अवार्ड्स हैं जिसमें वहीदा रहमान को दादा साहेब फालके अवार्ड मिला गया है बेस्ट एक्टर अलू अर्जुन को मिला है राइट आरआरआर को बेस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट मूवी के अंडर अवार्ड मिला है ये याद रखना है आपको इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म जो मिला है दैट दैट इज़ गिवन टू तो द डायरेक्टर ऑफ मेप्पाडियन बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है गोदावरी को द होली वाटर नरगेस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को आलिया भट्ट और कृति सनॉन को फॉर देयर रोल्स इन गंगूबाई भाई एंड मिमी दे हैव गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन फॉर द ऑब्वियस मूवी पुष्पा राइट एंड द नाम्बी एफेक्ट गॉड द बेस्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नामबी एफेक्ट एंड वहीदा रहमान एज दादा साहेब फालके अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट सिक्सटी नाइन्थ नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड आपके मिनिस्टर ने कहा इसमें कि अब कुछ भी रीजनल नहीं है अगर कॉन्टेंट बढ़िया है पूरी दुनिया में उसका डंका पीटा जाएगा ये यहाँ पर बात की की जा रही है लोकसभा स्पीकर ने अपनी जो कंप्लेंट मोहित्रा जी के अगेंस्ट आई है निशिकांत दुबे बीजेपी के व्यक्ति ने कहा कि महबूबा मोहित्रा जो हैं वो एक पर्टिकुलर बिजनेस कम, बिजनेस कंपनी से पैसा लेती हैं लोकसभा में सवाल पूछने के लिए तो ये एलिगेशन जो उनके ऊपर लगाया गया है वो ब्राइब्स का जो एलिगेशन है वो एथिक्स कमेटी को लोकसभा स्पीकर ने ट्रांसफ़र कर दिया है एंड मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूज़ इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स में यहाँ पे देखेंगे कि यूएस चाइना जो है इंडिया के लैपटॉप और पीसी इंपोर्ट्स पे जो बैन लगाया है उसके ऊपर कह रहे हैं कि रिकंसीडर करिए दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स द कंट्रीज़ आर यू चाइना साउथ कोरिया एंड चाइनीज ताइपेई दैट इज़ ताइवान आर रीजिंग कंसर्नस फॉर इंडियाज़ डिसीजन टू इम्पोज इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बंद नहीं किया बैन नहीं लगाया है रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं मतलब कि क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं हम दैट इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड एंड ओवर सीन बाई द गवर्नमेंट तो दिस इज दिस इज द इंटायर मैटर फ्रॉम दिस एंड इंडिया की मैरिटाइम इकॉनॉमी के ऊपर ब्लू प्रिंट तैयार हो गया है और ब्लू इकॉनमी के ऊपर बात करने वाले हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अमृत काल विजन टू थाउजेंड फोर्टी सेवन जो है इट्स अ लॉन्ग टर्म ब्लू प्रिंट फॉर द मेरीटाइम इंडियन ब्लू इकोनॉमी एंड दिस ब्लू प्रिंट आउटलाइन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव विच आर एम डैट इन्हांसिंग पोर्ट फैसिलिटीज प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोलाबोरेशन सो सिंपल फैक्ट डेट यूनिट रिमेंबर इज वेयर वॉज दी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हैपन सो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हैपेड इन मुंबई डेट्स दी फैक्ट दट यू विल रिमेंबर अदर देन दिस बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इंटरनेशनल साइट पर सो लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसराइल की पोजीशन पर पूरी दुनिया बटी हुई नजर आई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इसराइल के बीच में मीटिंग हुआ है जहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि हम किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने बढ़ने नहीं देंगे इसराइल की आर्मी और लेबनन की आर्मी और हिजबुल्ला के बीच में लड़ाई लगातार आठ अक्टूबर से चली रही है वेस्ट एशिया ब्रिंक ऑफ अबिस में है वेस्ट एशिया में खतरा हो सकता है ऐसा जॉर्डन का कहना है तो उनकी मुलाकात जर्मन चांसलर से हुई है दैट इज़ ओलाफ स्कोल्स एंड जस्ट स्टेटिंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स यूरोप में भी हो सकते हैं और ईरान ने सीधे सीधे एक साहब ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अगर जायनिस फोर्सेज दैट इज़ इसराइल अपने टेरर uh, अटैक्स को हमास पे जिस तरीके से अटैक कर रहा है बॉम्बिंग है वो कंटिन्यू रखेगा तो देर इज़ नो साइन फॉर पीस ये आपको पूरी दुनिया बढ़ते हुए नजर आएगी आई थिंक ये हंसने वाली बात तो नहीं थी बट हाउ विल यू स्टॉप हाउ कैन एनीबडी स्टॉप इट दैट इज़ समथिंग दैट वी आर ऑल्सो आई मीन थिंकिंग अबाउट बोथ सी जंग में हमेशा यही बात होती है पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा किसने क्या किया दैट इज समथिंग दैट रिमीन्स आई मीन एक स्टेटमेंट है एक बड़ा फेमस कोर्ट है कि जंग में सबसे पहली मौत सच की होती है तो द थ्रूथ इज़ दैट हु डिड फर्स्ट व्हाट इज द बैकग्राउंड व्हाट इज द स्टोरी आई थिंक इंडिया का ऑफिशियल पोजिशन जो है जो ऑब्वियसली डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी का है और बात है कि दोनों ही पक्षों को पीछे हटना पड़ेगा अपनी अपनी मिस्टेक्स को रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा और टू स्टेट्स सोल्यूशन पर काम करना पड़ेगा अब अबजाइज इनपिंग इज़ कॉलिंग पुतिन द डियर फ्रेंड एंड पुतिन टू एन एक्सटेंट इज सपोर्टिंग सीरिया एंड ऑब्वियसली अगर अमेरिका इज़राइल को बैकिंग दे रहा है तो पुतिन जो है वो ऑब्वियसली राइवल्स को बैकिंग देगा तो आई एक तरफ यू विल फाइंड रशिया चाइना ईरान अलाइनिंग अलॉन्ग विद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अलाइनिंग

और इसराइल के कंसर्नस के लिए भी खड़ा है ये पूरा ही न्यूज़ ओपिनियन uh, के रूप में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का ऑफिशियल पोजिशन क्या है अभी नेपाल और बांग्लादेश के बीच में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट के लिए जो दावेदार हैं उनके में कंपटीशन चल रहा है अब साइमा जावेद नाम की महिला जो है शी इज़ अ डॉटर बेसिकली बांग्लादेश के शेख हसीना के डॉटर हैं ये राइट शी इज़ शेख हसीनाज डॉटर तो नेपा नेपाल कह रहा है ये नेपोटिज़्म है और आ, साइमा वाजिद के अपोजिट में खड़े हुए हैं नेपाल के एक ऐसे व्यक्ति जो तीस साल से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं दैट इज़ शंभू आचार्य तो क्योंकि ये साइमा वाजिद को नेपोटिज़्म के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो बांग्लादेश ने उनको सेक्सिज्म के लिए ब्लेम किया है इंडिया का क्या रिएक्शन है तो हमारे यहाँ पे किसी तरह का कोई कमेंट्री कॉमेंट्री चीज़ पर नहीं दिया गया है सब कॉन्टिनेंटल टसल पे राइट

एंड uh, अभी नेपाल और बांग्लादेश में कंटेंसन चल रहा है दैट इज़ टू बी सीन अब ये आपको दिखाई देगा कि ब्रुसेल्स में एक uh, व्यक्ति ने टू स्वीडिश uh, फुटबॉल फैंस को मार दिया पता चला वो व्यक्ति टूनीसिया का था आईएस इस्लामिक स्टेट की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था